दोस्तों, मैं रेडमंड वाशिंगटन स्टेट में हूँ और आज हमारे यहाँ डर्बी डे है, जिसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगी हुई है और हम लोग यहाँ पे कुछ राइड करेंगे। यहाँ पे हजारों लोग आए थे, सुबह हम लोग आए थे तो बहुत सारा हमको मटेरियल मिला यहाँ पे, फ्री में कलेक्ट किया। मैंने एक राइफल में इलेक्ट्रिक टूथब्रश मिला मुझे, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है बट अच्छा है, फ्री में जो मिलता है बहुत अच्छा है। यहाँ पर टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन थी तो गर्विता ने कुछ कुछ राइड की हैं यहाँ पे। मैं एक चक्कर मारता हूँ यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की प्रदर्शनी कैसी होती है, एग्जीबिशन। चीज़ बर्गर मिल रहा है, पिज़्ज़ा मिल रहा है, $7 की एक स्लाइस है। देखिए पिज़्ज़ा भी, नॉर्मली में आपको $7-10 में एक बर्गर मिलता है, एक पिज़्ज़ा मिल जाता है, यहाँ पे $7 की एक प्राइस है, एक स्लाइस दे रहे हैं ये लोग, पैसा कमा रहे हैं। एक राइड $6 की है, जनरली आपको $20 में $25 में बहुत सारी राइड मिलती है, कोई भी गेम यहाँ $6 का है। मुझे ये वाले पसंद है जब मैं छोटा था। ये मेज़ है, देखिए लंबी लंबी लाइन लगी क्योंकि अब ये बंद होने वाला है और बंद होने के लिए ये देखिए ये मेज़ है इधर, और यहाँ पे आवाज़ इतना शोर है कि आवाज़ सुनना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुझे आता था ये कार बम्पिंग करने के लिए। इसमें हम बचपन में तो हमारे यहाँ छोटे शहरों में तो होता नहीं था, तो हम जब वीडियो देखते थे किसी के बाहर, लोग दिल्ली में इधर उधर पार्क में जाकर आपस में टकराने का बहुत मजा। लास्ट टाइम मैंने जो किया था वो हमने, हमारा ग्रुप था, हम लंदन गए थे और जहाँ पे हम रहते थे उसके पास में ही ऐसा ही कुछ प्रोग्राम था जहाँ पे हमने ये किया था। बहुत सस्ता था वहाँ पे, $2 में एक राइड थी और रिस्ट बैंड केवल 10 या 15 pounds का था। यहाँ पे कोई अनलिमिटेड नहीं है। सबसे मज़ा इसमें ही आता है मुझे, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें सब मज़े ले सकते हैं। और ये कोलंबस जो है ये भी बड़ा रिस्की लगता है मुझे। इसकी लाइन सबसे छोटी है, सबसे बड़ी लाइन कोलंबस की है, लोग घंटे घंटे तक लगे हुए थे। इस बार मुझे लगता है कि लास्ट ईयर से कम भीड़ है, इस बार मुझे लगता है कि लास्ट ईयर से कम लाइट्स हैं यहाँ पे। बट इनको मुझे लगता है एक राइड ऐसा लगा दे कि भाई $50 का ले लूँ और पूरे 2 दिन तक आप राइड करते रहो अनलिमिटेड, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता हमारा। या $25 कर देते, 4 घंटे के लिए आप राइड कर सकते हो, और उनको प्रायोरिटी होनी चाहिए, जल्दी से आए और राइड करके निकले। अब देखिए मैं लकी डक पे लेके आता हूँ आपको, यहाँ पे बच्चों के गेम मिल रहे हैं, आप टिकट खरीदिए और प्राइज़ लीजिए, बट कोई फ़ायदा नहीं है। आप $6 में वो जो सामने प्राइज़ जो मिलेगी बड़ी वाली, वो $5 में तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, मार्केट से आप खरीद लीजिए। बलून बस्ट है यहाँ पे, आप निशाना लगाइए और बलून पॉप अप कीजिए और आपको प्राइस मिलेगा। एक बार फायर करने के लिए आपको एक, ये लेडी जो है वो 3 pop किया उसने, 4, 5, 6, 7।